हेलो गाइस, सिंह टेक चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताँ जो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना जो है नंबर डालें, पासवर्ड फिल करें और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करेंगे, दोबारा अगेन करते हैं, अपना जो है नंबर डालें, पासवर्ड फिल करें और अब कैप्चा डालें और साइन इन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे कि हमारियाँ कितनी पीएफ आईडियाँ हैं। व्यू पे जाके हम सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हमने जितने भी कंपनी में काम किया होगा उन सभी की आईडी पीएफ आईडी जहाँ पे शो हो जाएगी। अब हमने जिस भी कंपनी से पैसे को ट्रांसफ़र करना है अपने न्यू अकाउंट में, उसको हमने नोट कर लेना है। जैसे कि हमने अपनी जे मेरी जे कंपनी है, मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगा अपनी इसकी जो भी अमाउंट होगी पेंशन की पीएफ की, जे मेरी अमाउंट मेरी करंट कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूं उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपना क्लेम ट्रैक कर लेंगे कि हम मैंने मतलब पहले तो नहीं कोई रिक्वेस्ट भेजी हुई, कोई रिक्वेस्ट पहले तो नहीं सबमिट की हुई पीएफ ट्रांसफ़र की, वो चेक कर लेंगे। वो चेक करने के बाद नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि आप अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले आप अपनी ओल्ड पासबुक को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि आपको मालूम हो जाएगा कि आपके ओल्ड पीएफ खाते में कितने पैसे हैं, जब ट्रांसफ़र हो गए तो वो वाली अमाउंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब अपने वन मेम्बर वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन दोबारा क्लिक करेंगे, वन मेंबर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये डिटेल आपकी आपके सामने आ गई। नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, जहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेशन थ्रू, आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर की से अटेस्टेशन करवाना चाहेंगे कि ओल्ड जो प्रीवियस एम्प्लॉयर से अटेस्टेशन कराना चाहेंगे। दोस्तों, जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी अटेस्टेशन का हमें बताना होगा कि हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से वो फॉर्म अटेस्टेशन करवाएंगे कि प्रीवियस एम्प्लॉयर से कराएंगे। अगर हम प्रेजेंट एम्प्लॉयर से अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो प्रेजेंट पर क्लिक कीजिए। अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर पे क्लिक कीजिए। जहाँ पे अपना नीचे अपना यूएएन नंबर डालें और गेट डिटेल पे क्लिक करें। जब आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रीवियस एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी, प्रीवियस कंपनी की, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट डिटेल, ओके पे क्लिक किया, जहाँ पे जुआन नंबर गलत हो गया, जुआन नंबर दोबारा डालेंगे, जुआन नंबर फिल करेंगे, फिल करने के बाद दोबारा गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे।
ये देखिए, जहाँ पे हम अपनी ओल्ड मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए डिटेल आ गई, यहाँ पे हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट एग्जिट डेट आ गई, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी डिटेल शो होगी, पुरानी कंपनी की डिटेल आ गई, जहाँ पे हमने टिक कर लेना है। इसको टिक करके अब हमने सेकंड स्टेप पे नीचे आ जाना है। जो हमने पहले किया है ये फर्स्ट स्टेप था, अब नीचे जो सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करके हमने गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी भरें, ओटीपी भरने के बाद इसे सबमिट पे क्लिक करें। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी और आपने जिस भी एम्प्लॉयर से अटेस्टेशन चूज़ किया है, प्रीवियस एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर, उसको पहुंच जाएगी। आपने अपना फॉर्म, ये फॉर्म डाउनलोड करके सेव करके रख लेना है और इस फॉर्म को प्रिंट निकाल के इसमें अपने दस्तखत करके जिस भी एम्प्लॉयर से आपने अटेस्टेशन चूज़ किया है, चाहे प्रीवियस एम्प्लॉयर है चाहे करंट एम्प्लॉयर है, उसको आपने सिग्नेचर करके ये सबमिट करवा देना है फॉर्म। आपके एम्प्लॉयर ने आपका जो ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट है फ़ंड ट्रांसफ़र की, उसने अप्रूव करके कर देनी है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट मेन फील्ड ऑफिस में पहुंच जानी है, वहाँ उन्होंने अप्रूव करके आपका जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देना है। आपकी जो पुरानी आईडी की, जो पुराना पीएफ अकाउंट है, उससे जितनी भी अमाउंट है पेंशन की, पीएफ की, वो सभी अमाउंट आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।